यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सुपारा में बुलेट चालकों की आई शामत, ट्रैफिक पुलिस ने उखाड़ दिए साइलेंसर। आजकल रोड पर चलते वक्त अचानक पटाखे छूटने से होने वाली धमाके की जैसी आवाज अक्सर सुनाई दे जाती है। इस आवाज से जहां ध्वनि प्रदूषण तो होता ही है, वहीं कभी कभार इन कर्कश ध्वनि की आवाजों से आते जाते लोग सिहर उठते हैं। पहले के समय में कोई मशीनरी उपकरण आवाज कम करे इसे तो उस उपकरण में साइलेंसर बिठाए जाते थे, लेकिन आजकल का जमाना उल्टा है। आज लोग अधिक पैसा खर्च कर बाजार से अलग अलग आवाज़ निकालने वाले साइलेंसर अपनी गाड़ियों में लगवाना एक फैशन सा समझने लगे हैं, और इसी दौड़ में इन मनमौजी लोगों द्वारा लगातार ध्वनि प्रदूषण कर दूसरे लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस ने इन मनमौजियों पर कार्रवाई शुरू करते हुए इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। नाला सपारा में भी ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष चेकिंग अभियान करते हुए ऐसे कई वाहनों पर कार्रवाई अंजाम दी, और तो और पुलिस ने अत्यधिक आवाज़ करने वाली कुछ मोटरसाइकिल के साइलेंसर को ही उखाड़कर मालिक के हाथ में पकड़ा दिया और लोगों को आगे से ध्वनि प्रदूषण बढ़ाने पर कठोर कार्रवाई किए जाने की कड़क चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। मॉडिफिकेशन करून कर्कश आवाज त्यांचा येत होता, त्याचप्रमाणे आम्हाला नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या, यावर आम्ही आज मोठ्या प्रमाणात तिथे कारवाई करत आहोत। सर, एकूण किती गाड्यांवर कारवाई झालेली आहे? काय 15 गाड्यांवर कारवाई झालेली आहे आणि कारवाई कंटिन्यूअस चालू राहणार आहे। नागरिकांना देखील त्रास आहे, त्याचबरोबर जे पेशंट आहेत, हॉस्पिटल्स आहेत, त्यांना देखील या कर्कशच्या आवाजाचा त्रास आहे। त्याचबरोबर इतर जे वाहन चालक आहेत, रिक्षा चालक आहेत, महिला वगैरे वाहन चालवणार आहेत, त्यांनासुद्धा त्याचा त्रास होतो वाहन चालवणं, त्यातून अपघातसुद्धा होतो। त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहनचालकांमध्ये आपण कारवाई करतो। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।